17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें वोटर 162 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजर, जौनपुर, मछली शहर, भदोही लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इस चरण में एसपी के धर्मेंद्र यादव, बीजेपी की दिग्गज मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल यादव निरहुआ, कृपा शंकर सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। साथ ही बीजेपी की सहयोगी पार्टियां सुबह सपा, निषाद पार्टी और अपना दल की भी प्रतिष्ठा और भविष्य भी दांव पर लगे हैं। तो एनडीए के घटक दल भी हैं और खुद अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। आज 14 सीटों का रण देखने को मिलेगा। आज 14 सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और इसमें कई ऐसे नाम हैं जो बड़े बड़े दिग्गज हैं। उनमें जो नाम सबसे प्रमुख है इस चरण में, एसपी के धर्मेंद्र यादव, बीजेपी की दिग्गज मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल यादव निरहुआ, कृपा शंकर सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। साथ ही बीजेपी की सहयोगी पार्टियां सुबह सपा, निषाद पार्टी और अपना दल की प्रतिष्ठा भी, भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। तो आज छठे चरण का चुनाव है, बस इसके बाद एक चरण और बचेगा और इस छठे चरण के लिए हमने देखा कि किस तरह से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, बीजेपी हो, उसके दल हो, इंडिया गठबंधन हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और लगातार रैलियां, बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक थे वो लगातार रैलियां कर रहे थे। और ये देखिए वो 14 सीटें आपके टीवी स्क्रीन पर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोई। अगर इन 14 सीटों की बात की जाए तो 2019 में 13 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और एक बार फिर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद के साथ, देखा हमने कि किस तरह से, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, सबने पूरा जोर लगाया। इधर अगर बात की जाए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इन्होंने पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार इस छठे चरण के लिए किया है। यूपी में छठे फेज में 14 सीट पर दंगल। हॉट सीटों पर फाइट, माहौल है टाइट। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ का रण। श्रावस्ती और डुमरियागंज में किसका जमेगा रंग। संत कबीर नगर, बस्ती और लालगंज की जंग। अंबेडकर नगर, फूलपुर, सुल्तानपुर की लड़ाई। जौनपुर, मछली शहर, भदोई में किसका डंका। पूरी है तैयारी, अब जनता की बारी। तो आज 14 सीटों पर मतदान होना है। 14 सीटों पर बड़े बड़े ऐसे दिग्गज हैं जो अपनी किस्मत को आजमाने वाले हैं। आज इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर का रण क्या कहता है। मेनका गांधी यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी भी जबरदस्त टक्कर दे रही है। वहीं पर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो संगम लाल, इसके अलावा अगर एसपी सिंह पटेल की बात की जाए और दूसरी तरफ मिश्रा बीएसपी की तरफ से खड़े हैं।
वहीं पर फूलपुर में भी मुकाबला जबरदस्त देखने को मिल रहा है। प्रवीण पटेल दूसरी तरफ अल्वार मौर्य है और इसके अलावा जगन्नाथ पाल बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो चेहरे हैं जो कि अलग अलग जगहों से हैं। इलाहाबाद की बात की जाए तो नीरज त्रिपाठी यहां से हैं। इसके अलावा अगर एसपी की बात की जाए तो रेति रमन सिंह के बेटे हैं। और तीसरी बात बीएसपी की अगर करें तो यहां पर जितेंद्र घिरौरी को भी टक्कर बढ़िया देने को मिल सुन रहे हैं कि दे रहे हैं। और अगर डुमरियागंज की बात की जाए तो जगदम्बिका पाल बीजेपी के बड़े नेता हैं। और दूसरी तरफ अगर डुमरियागंज से एसपी के प्रत्याशी की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर जबरदस्त टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस्ती की बात की जाए तो यहाँ पर हरीश द्विवेदी हैं और रामप्रसाद द्रौपदी एसपी के भी हैं। और इसके अलावा अगर बीएसपी की बात की जाए तो लवकुश पटेल यहाँ पर चुनावी मैदान में बीएसपी की तरफ से ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए अलग अलग 14 सीटों पर आज जिस तरह से मतदान हो रहा है, हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे वहां पर तैयारी किस तरह की है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यानी कि घंटे भर बाद वहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ से रोहित सिंह, फूलपुर से धारा सिंह, अंबेडकर नगर से मनीष वर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रतापगढ़ ही रोहित के पास। रोहित, आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं और वहां पर किस तरह की तैयारी है और लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लोग चाहते हैं सुबह सुबह निकलकर मतदान करें, तो क्या तैयारी वहां पर आज के इस चुनाव को लेकर? जी निश्चित तौर पर अब कुछ मिनट ही शेष हैं जब छठवें चरण के लिए मतदान शुरू हो जाएगा और हमारी मौजूदगी इसमें प्रतापगढ़ शहर के सिविल लाइन बूथ पर है। तो हम आपको सीधे बूथ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये मॉडर्न बूथ जो है जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से बनाया गया है। यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। गर्मी से निपटने के लिए जो है फैन लगाए गए हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं कि जो मतदाता आए और काफी भीषण जो है गर्मी पड़ रही है तो ऐसे में उनको कोई दिक्कत ना हो। सेल्फी पॉइंट भी आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा, लोग आए और लोकतंत्र के उत्सव में सम्मिलित होते हुए जो है यहाँ पे सेल्फी भी जो है ले सकते हैं। सामने आपको तस्वीरें दिखाई पड़ रही होगी, चेयर्स लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं और पेड़ की छाया के बीच जो है ये बैठने की व्यवस्था की गई है। अगर वहीं प्रतापगढ़ के रण की बात करें तो भाजपा से संगम लाल गुप्ता दूसरी बार चुनावी मैदान में है। भाजपा ने उनके ऊपर दूसरी बार लोकसभा का टिकट देकर भरोसा जताया था। वहीं अगर एसपी से बात की जाए तो एसपी पटेल चुनावी मैदान में है और बसपा से प्रथमेश मिश्रा चुनावी मैदान में है। वहीं सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि प्रतापगढ़ में भाजपा और सपा के बीच जो है वो सीधा सियासी मुकाबला होने की ज्यादा उम्मीद दिखाई पड़ रही है। अगर बात की जाए प्रतापगढ़ में मतदाताओं की तो मतदाताओं की जो कुल संख्या है वो 18,33,312 है। वहीं अगर पुरुष मतदाताओं की बात करें तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,70,000 के करीब बताई जाती है, जबकि महिलाओं की संख्या 8,60,000 के करीब बताई जाती है। वहीं अगर बात करें प्रतापगढ़ से बीजेपी और एसपी के बीच में जबरदस्त फाइट है, तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, लोगों के आने का इंतजार हो रहा है क्योंकि 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फूलपुर से धारा सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धारा, आप किस बूथ पर खड़े हैं, किस तरह की तैयारी है और गर्मी का जरा हाल बताइए, क्योंकि गर्मी पर वोटिंग आजकल बड़ा डिपेंड कर रहा है कि गर्मी ज्यादा होती है तो वोटिंग कम हो जाता है, तो गर्मी किस तरह की है वहां पर? देखिए इस समय हमारी मौजूदगी फूलपुर संसदीय क्षेत्र के पूरा मुक्ति में, हम एक पोलिंग बूथ यहाँ पे मौजूद है। लगभग यहाँ सभी तैयारियाँ जो है वो पूर्ण कर ली गई है। कुछ ही मिनट का वक्त है जब यहाँ मतदाता पहुंचेंगे पोलिंग बूथ पे, वोट कार्ड करेंगे। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोलिंग पार्टियां हैं पहले से मौजूद है, यहाँ पे अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर रखी है। हालांकि मतदाता भी उत्साहित तो लगातार अपने घरों से निकल करके आए हैं, लेकिन अभी 7 नहीं बजा क्योंकि छठे चरण का मतदान 7 बजे से शुरू होगा, ऐसे में 7 बजे के बाद ही वोट डाल पाएंगे। हम यहाँ अगर फूलपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने अमरनाथ मौर्य को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, जबकि प्रवीण पटेल पर भाजपा ने भरोसा जताया है। वहीं पे अगर बहुजन समाज पार्टी की ओर से जगन्नाथ पाल को प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ पे अगर हम जातिगत संकरण की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 3.5 लाख जो पटेल बिरादरी के मतदाता हैं वो निर्णायक की भूमिका में रहते हैं, जबकि
ढाई लाख के करीब यहाँ पे यादव मतदाता है, ढाई लाख के करीब यहाँ पे ब्राह्मण समाज के मतदाता है। अगर एसटी वोटरों की बात करें तो उनकी भी संख्या 2 लाख से अधिक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस सीट पे जो लड़ाई की भूमिका में है वो कहीं ना कहीं पटेल बिरादरी के मतदाता, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवीण पटेल पे दांव खेला गया। अगर कहीं ना कहीं पटेल समाज के मतदाताओं को साध कर अपने पाले में लाने की कोशिश वो सफल रहे तो उनको कहीं ना कहीं ये सफलता मिल सके। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे फूलपुर लोकसभा सीट में पुलिस पीएससी के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगाया गया है। ज्यादातर यहाँ पे पोलिंग बूथों पे वेब कास्टिंग की व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा जो संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ है वहाँ पे ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे मतदाताओं की संख्या की बात करें तो तकरीबन 20,35,000 मतदाता है, जिसमें से 11 लाख यहाँ पर पुरुष मतदाता है, जबकि यहाँ पे करीबन 9,70,000 के आसपास महिला मतदाता है। इस बार गर्मी को देखते हुए भीषण गर्मी है, इसे देखते हुए मतदाताओं के लिए खास सहूलियत दी गई है। प्रशासन की ओर से लगातार पेयजल की व्यवस्थाएं जो है पोलिंग बूथ पे बनाया गया है, किसी भी मतदाता बिल्कुल धारा। और ये जरूरी भी है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, लोग दूर दूर से पहुंचेंगे मतदान के लिए। और सबसे बड़ी बात है, लोगों से अपील की जा रही है कि चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना हो, पहले आप सुबह सुबह निकलकर मतदान कर लीजिए, फिर जलपान कर लीजिए। कुछ देर में शायद ये संदेश आ भी जाएगा, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। अंबेडकर नगर से मनीष वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अगर अंबेडकर नगर की बात की जाए, यहाँ पर फाइट किस तरह की है, कौन कौन सी पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है और सबसे ज्यादा किसके बीच में फाइट, और इस वक्त आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, तैयारी किस तरह की है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हम इस समय शहर के बीएन इंटर कॉलेज मॉडर्न मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर लड़ाई की, तो सपा और भाजपा के बीच लड़ाई है, क्योंकि भाजपा ने सीटिंग सांसद बसपा से जो सीटिंग सांसद थे रितेश पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं सपा ने लालजी वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये माना जा रहा है कि सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है और अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी। इस समय बूथ पर मौजूद है। और अगर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पीएससी के साथ साथ पैरामेडिकल फोर्स भी तैनात किए गए हैं, और मतदाता यहां पर 19 लाख से अधिक मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर आज इन दोनों प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला कर देंगे और ईवीएम में इनके फैसले कैद हो जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब ये कहां तक ये किससे, बसपा भी यहां कमर हयात को प्रत्याशी बनाया लेकिन बसपा लड़ती नहीं दिखाई दे रही। आइए हम मॉडल बूथ पर, आपको कुछ लोग बैठे हैं, अभी तो मतदान में होने में कुछ टाइम है, लेकिन कुछ माताएं आ गई, इनसे पूछते हैं। माता जी, वोट करने आई है, क्या सोचकर वोट करेंगी? अरे विकास पे भैया करो भाई, मोदी वाला वोट चुनाव करते बाटे ना, हमें सबसे ये सब दिन ये दे है। बहुत सुबह आ गई है अब, अभी तो मतदान अपने ही गर्मी अकमारी का करी, बड़बस परेशान रह गए की चली आए तो बहुत टाइम लागत बहुत धूप आवत बा। तो देखिए कहीं ना कहीं गर्मी का सीजन है, गर्मी की वजह से लोग सुबह मतदान करना चाहते हैं। मतदान में अभी समय बाकी है, आप पीछे हमारे देख सकते हैं मॉडल बूथ है, पूरी तरह से सजाया गया है और फोर्स की पूरी तैनाती है और पूरी तरह से जो है गुब्बारे से और इस तरीके से सजाया गया है इस केंद्र को, मॉडल बूथ है जिसकी वजह से इसे अच्छी तरीके से सजाया गया है। पुलिस की पूरी चौक चौबंद व्यवस्था की गई है और गर्मी की वजह से यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है और मतदाताओं के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे उनको सुगमता से मतदान कर सके। और पूरी जिले की यदि बात करें तो फोर्स की तैनाती पूरी तरह से यहां पर की गई है, हर बूथ पर अतिसंवेदनशील जितने बूथ हैं वहां पर पैरामेडिकल फोर्स की व्यवस्था की गई है, सिविल पुलिस की व्यवस्था की गई है, महिला पुलिसकर्मी तैनात है जिससे मतदान सकुशल संपन्न कराया जा सके। बिल्कुल, तो पीछे बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, मॉडल बूथ बनाया गया है, लोगों को मतदान के लिए एक तरह से कहे कि कोशिश की गई है कि आइए आप जागरूक मतदाता हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। कुछ देर में मतदान भी शुरू हो जाएगा, फिर देखेंगे कि किस तरह की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। जौनपुर से मनोज पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आप किस बूथ पर हैं और यहां पर फाइट किस तरह की है, किस तरह की तैयारी आज के इस रण को लेकर? देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त जनपद जौनपुर के सिरकोनी ब्लॉक के ये जगदीशपुर पर हम इस वक्त मौजूद हैं एक मतदान केंद्र के बाहर, जहां पर हमने अंदर देखा तो अभी मतदान शुरू कराने की सारी प्रक्रिया को शुरू करा दिया गया। जैसा जिलाधिकारी ने न्यूज 18 को पहले बता रखा था कि 5:30 बजे से मॉक पोलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे जो है रियल वोटिंग 7 बजे से शुरू करा दिया जाए। कहीं से कोई ईवीएम हो या किसी मतदान बूथ की बात हो या मतदान केंद्र स्थल की बात हो, कोई भी गड़बड़ी, चाहे तकनीकी गड़बड़ी हो चाहे सुरक्षा से संबंधित गड़बड़ी हो, उसको पहले से भी सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। जैसा जिला
निर्वाचन अधिकारी ने न्यूज 18 को बताया है। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर में जहां एक तरफ बीजेपी ने पहली बार भरोसा जताते हुए पूर्व गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र रह चुके कृपा शंकर सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में टिकट देकर चुनाव लड़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीडीए जो गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है बाबू सिंह कुशवाहा, उनकी लड़ाई है टक्कर में है जौनपुर सीट पर, यह लड़ाई है। और दूसरी तरफ अगर जौनपुर जनपद के मछलीसर सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी सिटिंग एमपी बीजेपी के बीपी सरोज और पीडीए प्रत्याशी प्रिया सरोज आमने सामने जो है चुनावी मैदान में खड़े हैं। अब उस घड़ी का इंतजार है जब सुबह 7 बजेंगे और जनपद जौनपुर के सभी दोनों लोकसभा के 39 लाख से ज्यादा मतदाता और दोनों सीट पर उम्मीदवारों की अगर संख्या देखें तो 24 उम्मीदवार जो है 26 उम्मीदवार एक जौनपुर में 14 उम्मीदवार सीट पर खड़े हैं, तो जबकि मछलीसर में 12 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि सुबह 7 बजे से 39 लाख से ज्यादा मतदाताओं के हाथ में यह फैसला हो जाएगा जब वो मतदान केंद्र पर पहुंचकर ईवीएम के मशीन पर किसके तरफ अब जो अपना मतदान करते हैं अपने भाग्य का फैसला जो उम्मीदवारों का वो आज की तारीख में लिख दी जाएगी, जिसका परिणाम जो है आगामी 4 जून को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और मनोज आपके पीछे भगवान सूर्य अपनी पूरी आभा के साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी गर्मी भी बहुत ज्यादा है वहां पर, और ऐसे में लोग चाहेंगे कि सुबह सुबह मतदान कर ले, क्योंकि हमने देखा कि हर फेज में मतदान का एक कम का मतलब मतदान कम होने का एक कारण यह भी था कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, यानी गर्मी वहां पर भी बहुत ज्यादा है। व्यवस्था गर्मी को लेकर क्या की गई है, क्योंकि लोग वहां पर पहुंचते हैं, पानी की व्यवस्था, बाकी चीजों की व्यवस्था भी वहां पर की गई, डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई है क्या वहां पे? जब यहाँ पर हमारी इंट्री हुई मतदान केंद्र के अंदर बाहर बूथ के अंदर गए तो वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने यह बताया कि सर हमारे बिना हायर अथॉरिटी के परमिशन आपको नहीं है अंदर बूथ तक आपको देखने के लिए, तो हालांकि हमें जो है सुरक्षा कर्मियों ने मतदान केंद्र के बाहर वो कर दिया कि आप यहां से जो भी कुछ करना है रिपोर्टिंग आप यहां से करिए। तो अगर हम बात करें मतदाताओं के उत्साह को लेकर नीलू, तो यहां पर जो है इक्का दुक्का जो बुजुर्ग मतदाता है जो कई बार वो अपने मत का प्रयोग करते चले आ रहे हैं लोकसभा के चुनाव में, उनका पहुंचना शुरू हो गया इक्का दुक्का और मतदान बूथ तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब उन्हें इंतजार है रियल वोटिंग, जैसा डीएम ने बताया था कि रियल वोटिंग की जो प्रक्रिया शुरू की सुबह 7 बजे से शुरू करा दिया जाएगा। तो बहुत सारे ग्रामीण मतदाताओं में इस बात का उत्साह है कि हम सुबह सुबह पहुंचकर पहली लाइन में पहली वोटिंग कर लिया जाए, इसकी जो है तैयारियां लगातार जो है मतदाता अपने अपने स्तर से किए हैं, जिसका रुझान कई मतदान केंद्रों पर यह देखने को मिला है कि इक्का दुक्का जो है कुछ लोग मतदान केंद्र की तरफ रुझान कर चुके हैं और कुछ लोग सुबह लोग शुरू हो गए और यही चाहते हैं कि जैसे ही मतदान शुरू हो सबसे पहला वोट वही डाले, और ये जागरूक मतदाता की निशानी है कि आप समय रहते हुए अपना मतदान करें। चलिए आप सब हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों से बातचीत होती रहेगी, लेकिन न्यूज 18 को दिए मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दावा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ना खाता हूं ना खाने देता हूं, लेकिन अब जिसने खाया उससे निकालूंगा और जिसका गया है उसको जरूर खिलाऊंगा। आप पीएम रहे, कभी उड़ती है बात की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक नारा उठता है, भले ही आप ना देते हो, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। अब बात हो रही है एपेटाइजर 10 साल था, अब मेन कोर्स आना बाकी है। तो अब ये मेन कोर्स क्या है आने वाले थर्ड टर्म के लिए, इसको देश की जनता भी जानना चाहती है। हम लोग उसके बहुत सारे पहलू है, देश को आगे ले जाने का बहुत सारे पहलू है। अगर मैं कहूँ कि भविष्य में देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये पूरी तरह हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में है। अब टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव है, ट्रांसफॉर्मेटिव है और इजीली एक्सेस है, यानी हर व्यक्ति बहुत अडप कर लेता है तुरंत। ऐसी स्थिति में अगर आप बड़ी सहजता से चले तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्कोप है। जहाँ तक मैं खाता नहीं खाने देता नहीं, उसको आज की जो मेरी वो देशी भाषा है, आप लोग जो इस दुनिया से हैं वहाँ कहते हैं करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस, तो वो मेरा रहेगा ही। लेकिन एक चीज अब मैं और उसमें कोशिश कर रहा हूं, न खाता हूं न खाने देता हूं, अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा।